गोरखपुर में 24 से 25,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सबसे पहले जिले के करीब 22,000 स्वास्थ्य कर्मियों को मौका मिलेगा, जिनकी लाइन लिस्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है और जिनका विवरण कोविड पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। यह जानकारी गोरखपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को धैर्य के साथ साथ सतर्कता जारी रखनी होगी। फिलहाल मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉशिंग और शारीरिक दूरी के पालन जैसे उपाय ही कारगर हैं। इन सभी सतर्कताओं के बावजूद अगर कोरोना का लक्षण दिखे तो उसकी जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पीछे टीकाकरण के केंद्रीकृत भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 500 स्क्वायर फीट में निर्माण करवाया जा रहा है। कुल 3 फ्रीजर भी आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीकृत भंडारण के लिए और भी फ्रीजर आएंगे। इसके अलावा जिले के सभी 40 कोल्ड चैन पॉइंट पर कोविड वैक्सीन के लिए अलग फ्रीजर आएंगे। टीकाकरण से जुड़ी तैयारियों के कार्य में WHO, यूनिसेफ और UNPD संस्थाएं तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही हैं। इस दौरान गोरखपुर न्यूज से विशेष बात में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने आम जनमानस से अपील की है कि दूर से ही नमस्कार करें, गले मिलने और हाथ मिलाने से परहेज करें। सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ सांस फूलने की दिक्कत हो तो कोरोना जांच कराएं। बिना मास्क और शारीरिक दूरी के ज्यादा देर तक किसी के संपर्क में ना रहें। नाक, मुंह और आंखों को हाथों से ना छुएं। खाने के लिए फल सब्जियों को धुलने के बाद ही इस्तेमाल करें। बाहर की चीजें ना खाएं, घरेलू खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, कोविड-19 वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से निर्देश हैं कि उसकी प्रिपेयर्डनेस जो कि हम जनवरी लास्ट से या फरवरी फर्स्ट वीक से शासन के निर्देशानुसार शुरू कर पाएंगे, उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए जो भी तैयारियां करनी है उसके निर्देश दिए गए हैं। और बीच बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जूम मीटिंग के माध्यम से भी प्रिपेयर्डनेस की जांच हर ज़िले की जा रही है और तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है। उस संदर्भ में वैक्सीन कहाँ रखी जाएगी, पहला तो वैक्सीन कहाँ रखी जाएगी, इसके लिए हमें 500 स्क्वायर फीट में एक वैक्सीन स्टोरेज रूम बनाना है, जो हमारा प्रारंभ हो चुका है और उसमें अब छत पड़ने की स्टेज पे आ गया है और उसको हम बहुत जल्द ही 15 से 20 दिन के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे। 3 हमें डीप फ्रीजर मिल चुके हैं, बाकी कुछ और भी मिलेंगे, उसको हम मंगा लेंगे, वो शासन स्तर से ही मिलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार देगी। दूसरी तैयारी थी, जो रादर वो पहली तैयारी थी कि हम फर्स्ट फेज़ में, जैसा कि आप सभी को मालूम, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट करेंगे, उनकी लाइन लिस्टिंग करना, उनकी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों, नर्सिंग होम से लेके क्लिनिक से लेके उनके स्वीपर से लेके उनके डॉक्टर तक, और इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में भी सभी ऑफिशियल्स को, सभी स्टाफ को वैक्सीनेट किया जाना है। उसका लाइन लिस्ट बनाना था, लाइन लिस्ट पहले ही बन चुकी है, तकरीबन 24,000-25,000 लोग फर्स्ट फेज में वैक्सीनेट किए जाएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट और फ्रंटलाइन वर्कर्स से संबंधित, और उनको एक कोविन पोर्टल है उस पर अपडेट करना होगा, तो वो अपडेट करने का कार्य हमारा चल रहा है और 24 से 48 घंटे में हम पूरा अपडेट कर लेंगे। अपडेट जो कोविन पोर्टल है उस पर अपडेट करने से फ़ायदा ये है कि एक तो वो सब जगह नोन हो जाएगा कि हमें कितनी वैक्सीन कहाँ रखनी है, क्या करनी है, कितनी हमारे जनपद में सप्लाई आनी है। दूसरा ये कि वो वहीं पोर्टल से ही उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति का नाम उसमें फीडेड है और उसका मोबाइल नंबर है, उस पर एक सूचना जाएगी और वो सूचना इस तरह की होगी कि आपको फला सेंटर पे फला दिन वैक्सीनेट कराना है। यानी एक उसको इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि आपको पर्टिकुलर सेंटर पे जाके पर्टिकुलर डे पे अपने को वैक्सीनेट कराना है, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट होके सूचना चली जाएगी, जिससे कि हमारा कोई फ्रंटलाइन वर्कर छूटने ना पाए। इसकी बूथ की प्लानिंग भी हम लोग कर रहे हैं, वो अभी
फर्स्ट फेज में है, हम उसको फाइनल कर लेंगे, क्योंकि अभी एक आध ट्रेनिंग और होनी है। सभी वर्कर्स के जो हमारे इसमें लगेंगे, वैक्सीनेटर्स, तीसरा हमारा इशू था कौन वैक्सीनेट करेगा, उसकी भी लाइन लिस्टिंग हो गई है। उसमें हम फार्मेसी के लड़के जो पढ़ रहे हैं या जीएनएम का कोर्स कर रही नर्सेस को भी इन्वॉल्व करेंगे, उनके माध्यम से हम वैक्सीनेटर्स की लिस्ट बना के वैक्सीनेट करा लेंगे। फिर कितनी जगहों पे हम वैक्सीनेशन करेंगे इसकी भी तैयारी चल रही है और वो हम लोग फाइनल कर लेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर है उसमें तीन रूम होना चाहिए, एक रूम से लोग आएंगे, एक में वैक्सीनेट होगा और उसके बाद एक रूम में उनको हाफ एन आवर, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा हम उनको रेस्ट दिलाते हैं कि कोई वैक्सीन के लगने के बाद से कोई दिक्कत या चक्कर आना या कोई ऐसी समस्या तो नहीं होती, और जब ऐसा कुछ हो जा ऐसा कुछ नहीं होता तब हम उनको जाने देते हैं। इस तरह से ये तैयारियां पूरी हैं करीब करीब। वैक्सीन जैसे ही आएगी हम उसको करने के लिए सक्षम हैं और हम वैक्सीनेशन का कार्य कर देंगे। देखिए, कोविड एज सच अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन आ रहा है, वैक्सीनेशन अभी शुरू होगा, लेकिन कोविड ख़त्म नहीं हुआ। और कोविड की वैक्सीन लग जाने के बाद भी जब दो डोज पूरी हो जाती है उसके 15 से 20 दिन 21 दिन में इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप होती है, तो सावधानी तो हमें हमेशा बरतनी है। कतई इस भ्रम में ना रहें, नई वैक्सीन है, लग रही है, इसके लगने के बाद क्या इसका असर आता है ये अभी स्टडी करना बाकी है। तो इसलिए अगर किसी को वैक्सीन अभी तो लगी नहीं, जिस किसी को लग भी जाए तो उसको वो सारे प्रिकॉशंस जिससे कोविड ना हो या आपसे किसी को ना फैले, किसी से आपको ना लगे, वो पालन करते रहना होगा। जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना, बिना हाथ धोए नाक मुँह आँख को नहीं छूना, सोशल डिस्टेंसिंग या जिसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं उसको जितना यथासंभव पालन करना, भीड़ भाड़ के इलाकों में अनावश्यक रूप से ना जाना, बुजुर्गों को खास करके घरों से ना निकलने दीजिए जब तक बहुत आवश्यक ना हो, ये सारे हम लोगों को पालन करने पड़ेंगे। अन्यथा कोविड कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, कब बढ़ जाए कोई नहीं जानता। वैक्सीनेशन जो हमारा स्टोर बन रहा है वो हमारे इसी ऑफिस के पीछे है, वहाँ बन रहा है और कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी ऊपर तक दीवारें आ गई हैं। और वैक्सीनेशन के जो प्लेसेस हैं वो हमें अभी चिन्हित करके डिसाइड करना है। उसमें निर्देश ये हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटी है, CSCs हैं, PSCs हैं, ब्लॉक PSCs हैं, और जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हम उन्हीं पे सेंटर बनाएं, हमें किसी प्राइवेट जगह पे या स्कूल में या अन्य जगहों पे बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम उतने ही में से अपने 22,000 से 24,000 जो हमारी फिगर है उनको हम वैक्सीनेट कर लेंगे।